Hello friends, I'm Tarun Mahajan. I'm a chartered accountant and chartered financial analyst. I have been teaching to CA and CFA students since last 20 years and taught 40,000 odd students till date. Those who already know me, they don't need any introduction, but this is just for those who are new to me. Now, we are here to discuss the paper of Corporate and Other Laws, paper number 2 of CA Intermediate of November 2019 attempt. अब हालांकि institute तो इसका suggested answer आपको definitely available करवाएगा, लेकिन वो 2-3 महीने के बाद में. अब ऐसे में 4th of November 2019 को हुए इस paper को लेकर के curiosity बनी रहती है कि जो answer मैं लिख के आया हूँ क्या वो आंसर सही है. तो चलिए क्विकली हम डिस्कस करते हैं. पहले हम पेपर के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, बिकॉज पार्ट 1 इज फॉर एमसीक्यूज दैट वी विल डिस्कस लेटर एट द एंड आफ्टर डिस्कसिंग पार्ट 2. सो पार्ट 2 क्वेश्चन 1 पार्ट ए, इट सेज हैरी लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड इन थाईलैंड. ओके, it has no place of business established in India, so it is not a foreign company as of now. Looking at these two lines, it is for sure a body corporate kyunki ye registered outside India hai. It has no place of business established in India, yet it is doing online business through telemarketing in India and having its main server for online business outside India. State the status of the company under the provisions of the Companies Act 2013. Look, यहाँ पर हमको एक foreign company की definition को analyze करना होगा. अगर मैं अपने notes के बारे में ही बात करूं, CA Intermediate Company Law and Business Law, which is now named as Other Law के लिए, तो ये जो paper है पूरा का पूरा नोट्स में से कवर होता है 100%. तो सबसे पहले हमको यहां देखना पड़ेगा फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन को कि यहां पर क्या कहा गया है. फॉरेन कंपनी मींस अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया व्हिच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एनी एजेंट वेदर फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. अब इस क्वेश्चन में बोला है कि कंपनी का इंडिया में बिजनेस प्रेजेंस है, फिजिकल प्रेजेंस नहीं है. कंपनी इज डूइंग टेलीमार्केटिंग, कंपनी हैज अ सर्वर विच इज एस्टेब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया बट सर्वर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज इनसाइड इंडिया. देयरफॉर यू वी कैन कम टू अ कंक्लूजन दैट हैरी लिमिटेड इज एक्चुअली अ फॉरेन कंपनी because it is a company registered outside India and it is having an electronic presence within India. How to write answer? कैसे लिखा जाना चाहिए था? सबसे पहले आपको provision लिखने चाहिए थे, उसके बाद में इस case को discuss करना और फिर conclude करना कि yes, it is a foreign company. Then question के second part की अगर हम बात करें, SKP Limited registered in India, a wholly owned subsidiary company of Harry Limited. Now Harry Limited is a foreign company and it has a wholly owned subsidiary in India. This Harry Limited, how do I know that Harry Limited is a foreign company? That I have decided from first part of the question. Harry Limited decides to follow different financial year for consolidation of its accounts outside India. State the procedure to be followed in this regard. अब यहां पर फिर से मैं अगर आपको अपने नोट्स में लेकर के चलूं, तो यहां मैंने आपको फाइनेंशियल ईयर की एक डेफिनेशन दी है कि वैसे तो ये 1 अप्रैल को स्टार्ट होके 31 मार्च को एंड होता है, लेकिन अगर आपकी कंपनी की कोई सब्सिडियरी होल्डिंग या एसोसिएट कंपनी इंडिया के बाहर है और उसके साथ कंसोलिडेट करने के पर्पज से आप एक डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना चाहते हैं, तो आफ्टर 1st ऑफ नवंबर 2018
आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार परमिशन दे दे तब फिर आप एक डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर सकते हैं। ये प्रोसेस आपको बताना चाहिए। आप पूरी की पूरी फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन भी यहां पर लिखें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सो इन शॉर्ट, द कंपनी विल हैव टू अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयर आफ्टर सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव यू परमिशन एंड देन ओनली यू कैन डू दिस। ओके, नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इट सेज दैट नवीन इनकॉर्पोरेटेड अ वन पर्सन कंपनी मेकिंग हिज सिस्टर नविता एज द नॉमिनी। नविता इज लीविंग इंडिया परमानेंटली ड्यू टू हर मैरिज अब्रॉड। ड्यू टू दिस फैक्ट शी इज विदड्रॉइंग हर कंसेंट ऑफ नॉमिनेशन। टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। If Navita is leaving India permanently, is it mandatory for her to withdraw her nomination in said one-person company? अगर हम यहां नोट्स में one-person company की डेफिनेशन को देखें, see अगर आप मेरे नोट्स देखेंगे तो what do I do कि किसी भी टेक्स्ट के साथ में मैं उसको इजीली पढ़ने के लिए, आसानी से याद करने के लिए मेमोरी हुक्स बनाता हूं कुछ इस तरह से। जैसे वन पर्सन कंपनी की कैपिटल 50 लाख या उससे कम होनी चाहिए, टर्नओवर 2 करोड़ या उससे कम होनी चाहिए, ऐसे। और कीवर्ड्स को मैंने यहां पर बोल्ड किया है जिससे आपको रिवीजन में काफी आसानी रहे। तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि अ पर्सन, अ वन पर्सन कंपनी हैज टू फुलफिल सर्टेन कंडीशंस। ओनली अ नेचुरल पर्सन who is an Indian citizen as well as resident of India shall be eligible to incorporate a one person company and shall be a nominee for the one member of the one person company। तो चाहे आप one person company के member बनना चाहते हैं या उसके nominee, in both cases आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपको Indian citizen होना चाहिए और आपको रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, और रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने के लिए आपको 182 डेज तक इमीडिएटली प्रीसीडिंग वन कैलेंडर ईयर में रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी है। ये नोट्स का पेज नंबर 6 है जहां पर मैंने आपको ये दिया हुआ है डिटेल में। तो अगर नविता शादी के बाद परमानेंटली इंडिया छोड़ करके जा रही है तो ऐसे में डेफिनेटली उसको अपना नॉमिनेशन विथड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि 182 डेज की कंडीशन फिर वो अगले साल से फुलफिल नहीं कर पाएगी। बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इफ नविता मेंटेन्ड द स्टेटस ऑफ रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर हर मैरिज, भले शादी हो गई लेकिन नविता इंडिया भी रहती है 182 डेज और मोर, और रेस्ट ऑफ द टाइम वो फॉरेन कंट्री में रहती है, तब तो फिर वो ओपीसी के मेंबर की नॉमिनी हो सकती है। सिर्फ मैरिज हो रही है और वो अब्रॉड जाती आती रहेगी, इस बात को लेकर के नविता को नॉमिनेशन विड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? अब ये जो अगला क्वेश्चन है ये एक्चुअली हमारे नोट्स के सेक्शन 141 से रिलेटेड है। तो 141 सेक्शन में ऑडिटर के डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में डिस्कस किया गया है। पूछ रहे हैं आपसे यहां पर, एग्जामिन विदर द फॉलोइंग पर्सन्स आर एलिजिबल फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज ऑडिटर अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मिस्टर प्रकाश इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मिस्टर आकाश हु इज रिलेटिव ऑफ मिस्टर प्रकाश is holding securities of ABC Limited having face value of 70,000 and market value of 1,10,000. Directors of ABC Limited want to appoint Mr. Prakash as an auditor. अब देखिए सेक्शन 141 में हम लोगों ने ऑलरेडी एक बार पढ़ी हुई है और हमने कुछ इस तरह से पढ़ा हुआ है। दिस इज 141
one. हमने कहा कि अगर ऑडिटर के पास में शेयर्स हैं तब तो वो, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास शेयर है किसी कंपनी के तब तो वो ऑडिटर बन ही नहीं सकता है, लेकिन अगर उसके रिलेटिव के पास में 1,00,000 रुपए तक की फेस वैल्यू के शेयर्स हैं, फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹1,000 और एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एंड दैट प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट इज ₹1,00,000. सो पॉइंट टू बी नोटेड इज कि जो 1,00,000 रुपए की हम बात कर रहे हैं दैट इज ऑफ फेस वैल्यू एंड नॉट फॉर द मार्केट वैल्यू. तो पहले प्रोविजन आप ये वाला लिखिए और उसके बाद डिस्कशन करके ये कंक्लूजन दें कि ऑडिटर के रिलेटिव के पास 70,000 की फेस वैल्यू के शेयर हैं, जबकि अगर 1,00,000 रुपए तक की फेस वैल्यू के शेयर भी रिलेटिव के पास होते तो भी ऑडिटर डिस्क्वालिफाई नहीं होता, इसलिए मिस्टर प्रकाश को यहां पर ऑडिटर बनाया जा सकता है. फिर आपसे पूछा गया, सो दिस इज सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 सेकेंड पार्ट. मिस्टर रमेश इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडेप्टेड टू द एमएनपी लिमिटेड फॉर 6,00,000 रुपीज. देखिए इसके प्रोविजन हमने क्या बोला है कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कंपनी से लोन लिया है 5,00,000 रुपए से ज्यादा का तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता है, लेकिन अगर यही लोन चार्टर्ड अकाउंटेंट के रिलेटिव ने लिया है तो फिर इंडेप्टेड टू द कंपनी. देखिए रिलेटिव का प्रोविजन यहां पर अलग है, अगर गारंटी दी है तो फिर गारंटी का प्रोविजन अलग है. इज इंडेप्टेड टू द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी और इट्स सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी इन एक्सेस ऑफ सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट इज ₹5,00,000. यहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कंपनी से लोन कितना लिया है 6,00,000 और इसीलिए ये ऑडिटर अपॉइंट नहीं किए जा सकते हैं. थर्ड पार्ट, मिसेस के वी जे स्पाउस ऑफ मिस्टर कुमार और चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब की वाइफ कंपनी में स्टोर कीपर है और आपसे पूछा गया कि क्या ये चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब उस कंपनी के ऑडिटर हो सकते हैं जिनमें इनकी वाइफ स्टोर कीपर है. देखिए कंपनी का एम्प्लॉय तो ऑडिटर नहीं बन सकता है और कंपनी का ऑफिसर भी ऑडिटर नहीं बन सकता, ऑफिसर और एम्प्लॉय. ये देखिए मेमोरी हुक में लिखा है मैंने एम्प्लॉय और ऑफिसर, या उसका पार्टनर या एम्प्लॉय. तो एम्प्लॉय खुद कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय भी ऑडिटर नहीं बन सकता है, लेकिन एम्प्लॉय का रिलेटिव ऑडिटर बने इसमें कोई ऑब्जेक्शन इस सेक्शन में नहीं उठाया गया है और इसीलिए मिस्टर कुमार उस कंपनी के ऑडिटर बन सकते हैं जिस कंपनी में उनकी वाइफ स्टोर कीपर का काम करती है. ठीक है, फिर ये जो सी पार्ट है क्वेश्चन का, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसको मैं स्किप करता हूं. आई विल बी डीलिंग ओनली विद द कंपनीज एक्ट एंड द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. वन डी क्वेश्चन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का है. इसमें बोलते हैं ए ने एक बिल ड्रॉ करा 5,000 रुपए का 3 महीने की मैच्योरिटी के लिए. ए ड्रॉज ए बिल अमाउंटिंग टू ₹5,000 फॉर 3 months मैच्योरिटी पीरियड ऑन बी बट साइंस इट इन ए फिक्टिशियस नेम ऑफ सी. बिल इज पेबल टू द ऑर्डर ऑफ सी एंड इट इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय बी. तो यहां पर पहली बात तो ड्रॉअर और पे ही सेम है, दूसरी बात ड्रॉअर और पे ही दोनों ही फिक्टिशियस पर्सन हैं, तीसरी बात ये कि जो ड्रॉई है वो एक रियल एग्जिस्टिंग पर्सन है और उसने इस बिल ऑफ एक्सचेंज पर अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है. अब ऐसे केस में ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये एक फिक्टिशियस बिल कहलाएगा. ये देखिए
यहां पर ये अपने नोट्स के थ्रू मैं आपको एक बार बता देता हूं, ये रहा फिक्टिशियस बिल. इफ इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज द नेम ऑफ बोथ ड्रॉअर एंड द पेई आर फिक्टिशियस देन द बिल इज कॉल्ड फिक्टिशियस बिल. बट इफ ए फिक्टिशियस बिल इज एक्सेप्टेड बाय समबडी एंड देन इट इज एंडोर्स्ड बाय ड्रॉअर टू समवन एल्स दैट इज द होल्डर इन ड्यू कोर्स, द होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट ए गुड टाइटल, यानी एक्सेप्टर को इसका पेमेंट करना पड़ेगा. क्वेश्चन पूछ रहा है इज बी बाउंड टू मेक पेमेंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड द आंसर इज यस, बी इज बाउंड टू मेक पेमेंट ऑफ दिस बिल ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द बिल इज फिक्टिशियस बिल, इट इज एक्सेप्टेड बाय समबडी एंड नाउ इट इज इन द हैंड्स ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स. तो पहले फिक्टिशियस बिल की ये डेफिनेशन और ये सारे पॉइंट्स आप लिखिए एग्जाम में, उसके बाद इस केस को डिस्कस करके कंक्लूड करिए कि बी इज बाउंड टू मेक पेमेंट. नाउ क्वेश्चन 2A, फिर से कंपनीज एक्ट का एक क्वेश्चन है, सेक्शन 102 से रिलेटेड है. तो मैं आपको पहले यहां सेक्शन 102 निकाल करके देता हूं. ये देखिए मेरे नोट्स में यहां सेक्शन 102 क्विकली पढ़ने के लिए मैंने मेमोरी हुक दिए हैं. खास लोगों को स्पेशल बिजनेस में क्या इंटरेस्ट है वो बताइए, जिससे कि उनको रेजोल्यूशन को समझने में मदद मिले. लेकिन अगर ऑर्डिनरी बिजनेस है अड्डा जैसा, तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है. इसको छोड़कर के बाकी सब स्पेशल माना जाएगा. सो सेक्शन 102 क्या बोलता है कि अगर कोई स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट होने वाला है तो उसका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना जरूरी है. एजीएम में अकाउंट्स, डिविडेंड, डायरेक्टर और ऑडिटर को लेकर के रेजोल्यूशन पास होता है तो वो ऑर्डिनरी बिजनेस माना जाएगा. एजीएम में और कुछ होता है तो वो स्पेशल बिजनेस है. ईजीएम में तो कुछ भी होता है तो वो स्पेशल बिजनेस ही माना जाता है. स्पेशल बिजनेस के लिए क्या, क्यों, कब, कैसे जैसे बातें आपको बतानी पड़ती है इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. बट ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं होगी. क्वेश्चन 2A क्या बोलता है, ओम लिमिटेड सर्वड अ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग ऑन इट्स मेंबर्स, द नोटिस स्टेटेड द फॉलोइंग रेजोल्यूशन. नंबर 1, रेजोल्यूशन टू इंक्रीज द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. पहली बात, ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाई जाए. तो भाई ये तो स्पेशल बिजनेस हुआ, इसके लिए रेजोल्यूशन हालांकि ऑर्डिनरी पास होता है लेकिन ये बिजनेस कैसा माना जाता है, स्पेशल. इसके लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा. देन अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ रेमुनरेशन ऑफ मिस्टर प्रतीक एज ऑडिटर. ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और उसका रेमुनरेशन फिक्स करना एक ऑर्डिनरी बिजनेस है, उसके लिए कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है. अब एक शेयर होल्डर ने क्या कंप्लेंट कर दी यहां पर, कि शेयर होल्डर कंप्लेंटेड द अमाउंट ऑफ प्रपोज इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल एंड रेमुनरेशन वॉज नॉट स्पेसिफाइड, यानी कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दिया नहीं था. तो भाई रेजोल्यूशन नंबर 1 के लिए तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना जरूरी है, नहीं तो ये प्रॉपर सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा, प्रॉपर सर्विस ऑफ नोटिस नहीं माना जाएगा. और ऐसे में अगर मीटिंग में रेजोल्यूशन पास भी हो गया तो इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी. लेकिन ये ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और फिक्सेशन ऑफ रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर, इसके लिए तो कहीं कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है. अगर इसका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं दिया है तो उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है. तो नोटिस पहले पॉइंट को लेकर के इनवैलिड और दूसरे पॉइंट को लेकर के वैलिड है. क्वेश्चन 2B का पार्ट 1, रवि लिमिटेड मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इज इट परमिटेड? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं. डबल एंट्री अक्रूवल बेसिस पर अकाउंटिंग होना चाहिए, ऐसा सेक्शन 128 में बताया गया है. कहां बताया है, बिल्कुल आपको मैं बता देता हूं कहां बताया गया है. सेक्शन नंबर 128 सब सेक्शन 1,
देखिए रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखने होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बुक्स, ब्रांच ऑफिस के भी रखने पड़ेंगे, डबल एंट्री और अक्रूवल सिस्टम पे बनना चाहिए। इसको न केवल मैंने मेमोरी हुक में लिखा है बल्कि मैंने इसको नोट्स में बोल्ड भी करके दिया है आपको कि अक्रूवल बेसिस पे होना चाहिए और डबल एंट्री सिस्टम पे होना चाहिए। तो ये जो भाई साहब कह रहे हैं कि हमने तो सिंगल एंट्री पे रख लिया है, दिस इज नॉट वैलिड, ये तो सेक्शन 128 का कॉन्ट्रावेंशन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो भी लोग होंगे दे विल बी पनिशेबल। इफ यू आर वॉन्डरिंग कि सर ये नोट्स तो हमारे पास है नहीं और ये नोट्स की एक्सेस हमको कैसे मिले अगर हमको चाहिए, तो आप सिंपली अपने वेब ब्राउजर में जाइए और वहां पर fmbytm.com टाइप कर दीजिए। ऐसा करते ही आप एक वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, fmbytm.com, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय तरुण महाजन का शॉर्ट फॉर्म fmbytm। जब आप ये करेंगे तो आप इस तरह की किसी पेज पर लैंडिंग होगी आपकी, और यहां से आप जरा पेज अप करके आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए मैंने इतने सारे कंटेंट्स रेडी करके रखे हुए हैं। ये सिर्फ कंटेंट्स के नाम हैं, ये सब कंटेंट्स आपको कहाँ मिलेंगे, एक एंड्रॉइड ऐप पर मिलेंगे जिसको अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ पर अपने मोबाइल फोन में क्लिक कर दीजिएगा, fmbytm.com पे जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद में आप एमसीक्यू टेस्ट पेपर्स, रिविजन ऑडियोज, फॉर्मूला एंड कंसेप्ट शीट्स, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन के साथ कंपाइलेशन, क्लास नोट्स, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। वीडियोज अगर आप देखना चाहें तो वो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। डाउट सॉल्व करवाना चाहें तो वहां पर मैसेजिंग फैसिलिटी है जिसमें सीधे डाउट्स मेरे पास पहुंचते हैं और मैं आंसर करता हूँ। इस ऐप को दूसरों को रेफर करके आप ऐप मनी भी अर्न कर सकते हैं और इस ऐप मनी से फिर आप वीडियोस खरीद करके देख सकते हैं। ये एंड्रॉइड ऐप है, एप्पल पर आईओएस पर काम नहीं करेगा। तो काफी सारे अच्छे फ्री कंटेंट, सुपर क्वालिटी इसके ऊपर अवेलेबल हैं जिसमें कि ये वाले नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। सेकेंड पार्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें लिखा है स्टेट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी। तो उसके लिए फिर हमको सेक्शन 128 सबसेक्शन 6 पर ही आना होगा जिसमें ये लिखा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजिंग डायरेक्टर की है, होल टाइम डायरेक्टर हु इज पर्सन इन चार्ज ऑफ फाइनेंस है उसकी है, सीएफओ की है और एनी अदर पर्सन चार्ज बाय द बोर्ड फॉर दिस सेक्शन, ये सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं और अगर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते हैं तो देखिए मेमोरी में मैंने क्या लिखा है, इनको जेल जाना पड़ेगा या फिर इनको फाइन भरना पड़ेगा या फिर ये दोनों तरह से भी पनिशेबल हो सकते हैं, राइट। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वेदर अ कंपनी कैन कीप बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड एक्सेसिबल ओनली आउटसाइड इंडिया। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मोड में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो आप रखिए, लेकिन एक्सेसिबल ओनली आउटसाइड इंडिया इज प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप रखते हैं 128 सबसेक्शन 3 बोलता है ये ओपन फॉर, ये विद इन इंडिया होना चाहिए, ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। तो अगर ये विद इन इंडिया एक्सेसिबल ही नहीं है तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट रखना अलाउड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक बुक्स रखना अलाउड है मगर इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जो इंडिया में एक्सेसिबल ही ना हो वो रखना अलाउड नहीं है। फिर हम बात करें क्वेश्चन 2 के सी पार्ट की, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसको मैं अभी स्किप करता हूं। डी पार्ट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट जिसमें बोला गया मिस्टर एक्स इज द पेई ऑफ एन ऑर्डर चेक, मिस्टर वाई स्टील्स द चेक एंड फोर्जेस मिस्टर एक्स सिग्नेचर।
अब ये बात हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है कि अगर किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर फोर्स सिग्नेचर हो जाते हैं तो दिस इज नॉट डिफेक्ट इन टाइटल, देर इज अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ टाइटल इन दिस केस. दिस इज नॉट अ डिफेक्ट इन टाइटल, दिस इज अ कंप्लीट एब्सेंस इन टाइटल. और अगर कंप्लीट एब्सेंस इन टाइटल हो तो भले ही अक्वायर करने वाला होल्डर इन ड्यू कोर्स हो तो भी उसको अच्छा टाइटल नहीं मिलता. एक्स का चेक चोरी करा वाई ने झूठे साइन करे, जेड को दिया, जेड ने गुड फेथ में लिया, कंसिडरेशन दे करके लिया, गुड फेथ कंसिडरेशन ये सब बातें जेड को बनाती है होल्डर इन ड्यू कोर्स. इस क्वेश्चन के आंसर में आप दो बातें लिखेंगे, पहली बात जेड ने कंसिडरेशन दे करके गुड फेथ में प्रॉपरली चेक को अक्वायर किया है इसलिए जेड होल्डर इन ड्यू कोर्स है, लेकिन वाई ने झूठे साइन करके कंप्लीट एब्सेंस ऑफ टाइटल ला दिया है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स को बैड टाइटल दो तो उसके हाथ में गुड टाइटल हो जाता है, बट इन केस ऑफ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ टाइटल होल्डर इन ड्यू कोर्स को भी अच्छा टाइटल नहीं मिलता है. अब क्यों है ये सब कुछ, ये देखिए मैं आपको प्रोविजन दिखा देता हूं इसको लेकर के. ये होल्डर इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन, जहां आप बोलेंगे कि उन्होंने ड्यू गुड फेथ में लिया, कंसिडरेशन दे करके लिया, इसलिए वो भाई साहब होल्डर इन ड्यू कोर्स हैं. लेकिन ये देखिए, बट ही डज नॉट गेट ए गुड टाइटल इफ द ट्रांसफरर अक्वायर्स ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बाय फोर्स्ड एंडोर्समेंट बिकॉज देर इज अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ टाइटल इन दैट केस. पेज नंबर 156 के अराउंड आपको मिलेगा, जहां मैंने आपको वॉशिंग मशीन और अलमीरा का एग्जाम्पल देकर के समझाया था कि होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या फर्क है और होल्डर इन ड्यू कोर्स को कहां जाकर के अच्छा टाइटल नहीं मिल पाता. कंक्लूजन क्वेश्चन 2D का ये है कि जेड होल्डर इन ड्यू कोर्स है मगर उनके पास गुड टाइटल नहीं है. ओके फिर क्वेश्चन 3A, महिमा लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन एज पर कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट द पावर्स ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. लोग झूठी जानकारी देकर के अगर आपने एक कंपनी बनाई है तो ऐसे केस में आप सेक्शन 7 में सबसेक्शन 7 में कवर हो जाएंगे और सेक्शन 7 सबसेक्शन 7 में दिया हुआ है, ये पेज नंबर 11 है नोट्स में. ये ट्रिब्यूनल ऐसी कंपनी का नाम रजिस्टर से हटा सकता है, वाइंडिंग अप के ऑर्डर दे सकता है, मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर सकता है, इसके मैनेजमेंट को रेगुलेट करने की कोशिश कर सकता है या ऐसे अदर ऑर्डर पास कर सकता है विच इट मे डीम फिट. आपकी कन्वीनियंस के लिए सारे कीवर्ड देखिए बोल्ड किए हैं, एग्जाम के पहले अगर आपने पढ़ा हो तो कितना इजी है. देखो मेमोरी बुक में मैंने लिखा कंसिक्वेंसेस फॉर कंपनी एंड मेंबर्स, झूठ बोलने के क्या परिणाम, ट्रिब्यूनल में रिमूवल ऑफ नेम, वाइंडिंग अप अनलिमिटेड, रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट, अदर ऑर्डर्स, ये हैं झूठ बोल के कंपनी बनाने के नतीजे. वाइंडिंग अप, रिमूवल ऑफ नेम, मेकिंग लाइबिलिटी अनलिमिटेड, चेंजिंग मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रेगुलेटिंग मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. फिर क्वेश्चन 3B1 की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आनंद लिमिटेड प्रपोजेस टू डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20% टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिस्पाइट द फैक्ट दैट कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्टेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. अब यार डिपॉजिट के रीपेमेंट में डिफॉल्ट करा है वो तो सेक्शन 73 में कवर होता है, तो अगर हम सेक्शन 73 देखें तो उसके लास्ट सबसेक्शन में मैंने आपको लिख करके दिया है, सॉरी जस्ट अ मिनट, सॉरी ये तो 123 में कवर हो रहा है,
123 सेक्शन में मैंने आपको देखिए कहाँ लिख के दिया है, ये देखो मेमोरी हुक में भी लिखा है 73 74 का वायोलेशन है तो नो डिविडेंड है ना। अ कंपनी विच फेल्स टू कंप्लाई विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड 74 दैट इज प्रीवियस डिपॉजिट्स रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट शेल नॉट सो लॉन्ग एज सच फेल्योर कंटिन्यूज डिक्लेयर एंड डिविडेंड ऑन इट्स इक्विटी शेयर्स। जब तक ये फेल्योर कंटिन्यूड है कंपनी डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स नहीं दे सकती। सेकेंड पार्ट वेदर ए कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकर्ड लॉस, यस फॉर श्योर, ये तो 123 सबसेक्शन 1 में लिख के दिया था मैंने आपको कि अगर इनएडिक्वेसी और ऑफ प्रॉफिट या लॉस की वजह से कंपनी चाहे तो इसके बाद भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, या तो पीएनएल के एक्यूमुलेटेड बैलेंस में से या रिजर्व्स में से। पीएनएल के एक्यूमुलेटेड बैलेंस से देना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रिजर्व से देना चाहती है तो फिर चार पांच कंडीशंस हैं जो कंपनी को फुलफिल करनी पड़ेंगी। अब देखिए ये छोटी सी बात है और मैंने आपको कितनी तरह से पढ़ाई, पहले कुछ बड़ी अट्रैक्टिव स्लाइड्स बना करके मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया। उसके बाद में फिर नोट्स में मेमोरी हुक में दिया, फिर नोट्स में मेन बॉडी में दिया, उसके बाद फ्री रिवीजन ऑडियोज मैंने आपको दिए, वहां पर भी यही वाली बात आपको बताई, और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन का कंपाइलेशन भी आपके लिए अवेलेबल करवाया। तो अगर ये पांच लेवल में से दो लेवल पे भी आपने ध्यान से पढ़ा है तो ये पेपर आपके लिए इट्स ए चाइल्ड्स प्ले, बड़ा आसान पेपर है ये आपके लिए। ओके सी पार्ट क्वेश्चन का 3C, स्टेट द प्रोविजन रिलेटिंग टू मटेरियल ऑल्टरेशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। ओके मटेरियल ऑल्टरेशन चाहिए तो उसके लिए तो फिर वापस से हमको नोट्स के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाले पार्ट में आना पड़ेगा, और ये सारे जो हैं मटेरियल ऑल्टरेशन हैं और ये सारे एग्जाम्पल हैं नॉन मटेरियल ऑल्टरेशन के। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, प्रॉमिसरी नोट वॉज मेड विदाउट मेंशनिंग एनी टाइम फॉर पेमेंट। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर कोई टाइम फॉर पेमेंट मेंशन नहीं हो तो उसको ऑन डिमांड माना जाएगा। द होल्डर एडेड द वर्ड ऑन डिमांड ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यार तो ये तो कोई मटेरियल ऑल्टरेशन नहीं है, हमने कहा था ऑल्टरेशन टू कैरी आउट द कॉमन इंटेंशन ऑफ द ओरिजिनल पार्टीज। जब टाइम मेंशन नहीं है तो उसको वैसे भी ऑन डिमांड ही माना जा रहा था, और अब अगर आपने उस पर ऑन डिमांड लिख ही दिया है तो ये तो इंटेंशन ऑफ पार्टीज को ही कंफर्म करता है, तो ऐसे में इसको मटेरियल ऑल्टरेशन नहीं माना जाना चाहिए। ओके फिर ये नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन 4A पर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ चंद्रा लिमिटेड प्रपोजेस टू इश्यू द प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी, स्टेट द रिपोर्ट्स विच शेल बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। Reports which shall be included in the prospectus is actually problematic, क्योंकि बेटा ये reports अब study material से हटाई जा चुकी हैं। ये देखिए मैं आपको यहां दिखाता हूं, क्वेश्चन ने एक्चुअली थोड़ी सी गलत बात पूछ ली है, वो ये बोलते कि कुछ जनरल बातें लिखो कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड तो आप डेफिनेटली उसको लिख देते हैं, लेकिन अगर ये बात की जा रही है, ये रहा आपका स्टडी मटेरियल, और स्टडी मटेरियल में अगर आप देखें तो ये पेज नंबर 3.6 पर आईसीआई स्टडी मटेरियल नॉट माय नोट्स, तो उसमें स्पेशली ये लिखा है कि वो सारी रिपोर्ट्स आपको प्रॉस्पेक्टस में देनी चाहिए विच आर स्पेसिफाइड बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट।
और जब तक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ऐसे कोई चीजें स्पेसिफाई नहीं करता है, प्रोवाइडेड दैट अंटिल सेबी स्पेसिफाई दिस, द रेगुलेशन मेड बाय सेबी शैल बी डीम्ड टू बी सच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. इन शॉर्ट हमारे सिलेबस में, बल्कि जो कंपनी लॉ है उसमें भी नहीं बताया गया है. कंपनीज एक्ट 2013 जो भारत सरकार ने बनाया है उस एक्ट के अंदर भी नहीं लिखा है कि प्रोस्पेक्टस में कौन कौन सी रिपोर्ट दी जानी चाहिए. उसमें सिर्फ ये लिखा है कि सेबी गाइडलाइन जो बताए वो सब रिपोर्ट देना चाहिए, सेबी जो बताए वो रिपोर्ट देना चाहिए. आई एम सॉरी. तो अब सेबी गाइडलाइंस क्या कहती है या सेबी ने क्या बताया है रिपोर्ट्स को लेकर के, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. यहाँ आकर के मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन फ्रेमिंग ही थोड़ी गड़बड़ हो गई है. ये चीज नहीं पूछी जानी चाहिए थी क्योंकि ये स्टडी मटेरियल में नहीं दी है, बल्कि कंपनीज एक्ट में भी ये नहीं दी हुई है. तो ऐसे में अगर आप एक छोटा सा आंसर भी लिख के आते हैं कि जैसा कि सेबी ने स्पेसिफाई किया हो इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसके लिए भी मैं समझता हूँ आपको पूरे चार नंबर मिलना चाहिए. आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते पॉइंट वन पॉइंट टू ऑडिटर की रिपोर्ट पी एंड एल बैलेंस शीट तीन चार पांच छह सात, ये सात रिपोर्ट के नाम लिखो, ये आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है. ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ पूछ लिया गया है. क्वेश्चन फोर बी, डिपॉजिट की डेफिनेशन यहां आपसे पूछी जा रही है. तो डिपॉजिट की जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको सेक्शन 73 के साथ में ही दे दी थी. सॉरी, और इसमें मैंने आपको ये पूरी डेफिनेशन है डिपॉजिट की. सरकार से लिया हुआ पैसा डिपॉजिट नहीं है, फॉरेन कंपनी से लिया, फॉरेन बैंक गवर्नमेंट से लिया हुआ नहीं है. पूरी लंबी चौड़ी सी डेफिनेशन है और इसी के बेसिस पर आपको ये क्वेश्चन आंसर करना है. देखिए, अगर लिस्टेड डिबेंचर्स हैं कंपनी के जो कि नॉन कन्वर्टेबल हैं तो उनको डिपॉजिट नहीं माना जाता है. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि ये जो 5 लाख रुपए के डिबेंचर हैं ये डिपॉजिट नहीं है. दूसरी बात, एम्प्लॉयज से लिया हुआ डिपॉजिट वैसे तो डिपॉजिट नहीं है, बट जरा फाइन पॉइंट पे जाके लेकिन इंस्टीट्यूट ने यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया कि एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो 1.5 लाख है और उससे डिपॉजिट जो ले लिया गया है, एनुअल सैलरी 1.5 लाख है और उससे डिपॉजिट 2 लाख ले लिया है, तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक है. एम्प्लॉय से सिर्फ उतना ही डिपॉजिट लिया जा सकता है जो कि उसकी एनुअल सैलरी के बराबर या उससे कम हो. अब अगर कंपनी ने ज्यादा पैसा ले लिया है तो इसको डिपॉजिट ट्रीट किया जाएगा. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है इट इज नॉट अ डिपॉजिट. सेकेंड पार्ट का आंसर है यस इट इज अ डिपॉजिट. तीसरी बात, अमाउंट ऑफ ₹3 लाख रिसीव्ड बाय प्राइवेट फर्म कंपनी फ्रॉम रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर्ड बाय डिपॉजिटर एज आउट ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम हिज मदर. डायरेक्टर से प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट ले तो वो डिपॉजिट नहीं माना जाता, डायरेक्टर के रिलेटिव से ले तो वो भी डिपॉजिट नहीं मानते. प्रोवाइडेड ये डायरेक्टर या उसका रिलेटिव को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि उसने किसी और से लोन नहीं लिया है. अब डिपॉजिटर को उसकी मदर ने गिफ्ट किया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये किसी और से लिया हुआ लोन नहीं है. ओके, फिर क्वेश्चन 4C, ये जनरल क्लॉज एक्ट का, इसको मैं स्किप कर रहा हूं. आई एम डीलिंग विद कंपनीज एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ओनली. क्वेश्चन 5A, इसमें प्रिंटिंग एरर है. जैसे 4A में प्रॉब्लम है ना कि वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी पब्लिश्ड इन प्रोस्पेक्टस पूछ रहे हैं, रिपोर्ट्स टू बी पब्लिश्ड, वो थोड़ा सा गलत क्वेश्चन है. ऐसे 5A का भी एक पार्ट गलत पूछ लिया गया है. एक्स लिमिटेड इशूड अ नोटिस ऑन 1st फरवरी 2018 टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर offering to purchase one extra share for every 5 shares held by them. तो ये section 62 है issue of right shares के बारे में. अब हमारे notes में ये already दिया हुआ है पूरा का पूरा section including ये जो आपसे पूछा गया है. ये देखिए, right share के लिए जो time limit दी गई है कम से कम 15 दिन और ज्यादा से ज्यादा 30 दिन की time limit यहाँ पर दी गई है. मिनिमम 15 डेज, मैक्सिमम 30 डेज.
तो 1 फरवरी को ये नोटिस इश्यू हुआ और लास्ट डेट जो है वो 15 फरवरी है। मेरे हिसाब से तो यहाँ भी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक डिफेक्ट है, लास्ट डेट 16 फरवरी रखनी चाहिए थी, क्योंकि 1 फरवरी को अगर नोटिस मिला है तो यहाँ इश्यू किया लिखा है, चलो हम अज्यूम कर लें कि 1 तारीख को नोटिस मिला है, तो 1 तारीख प्लस 15 दिन, 16 तारीख इसके एक्सेप्टेंस की लास्ट डेट होना चाहिए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफेक्ट है, पर चलो उस बात को छोड़ो। मिस्टर कवि हैज गिवन एन एप्लीकेशन टू अनाउंस द शेयर्स ऑफर्ड टू हिम इन फेवर ऑफ मिस्टर रवि। इस लाइन को पढ़ के एक बात क्लियर है कि कवि शेयर होल्डर है और कवि को ऑफर आया है और कवि ये ऑफर खुद नहीं रखना चाहता है और रवि को दे देना चाहता है। वेरी नाइस। तो उसके लिए हमने बोला है कि राइट टू रेनाउंस होता है, राइट बेचा जा सकता है। ओके, ये पेज नंबर 47 है मेरे नोट्स का। मिस्टर कवि हैज गिवन एप्लीकेशन टू रिनाउंस द शेयर्स ऑफर्ड टू हिम इन फेवर ऑफ मिस्टर रवि हु इज नॉट ए शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं कंपनी के शेयर होल्डर हूं, मेरे पास राइट ऑफर आया है, मैं नॉन शेयर होल्डर को ये राइट ट्रांसफर कर सकता हूं, मैं शेयर होल्डर को भी ये राइट ट्रांसफर कर सकता हूं, दैट्स माई चॉइस। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ एप्लीकेशन। आई विल से एप्लीकेशन इज 100% वैलिड बिकॉज ए शेयर होल्डर कैन रिनाउंस हिज राइट इन फेवर ऑफ ए नॉन शेयर होल्डर। फिर पूछ रहे हैं वुड योर आंसर डिफर इफ मिस्टर कवि इज ए शेयर होल्डर। नहीं, गलत छप गया, यहां होना था इफ मिस्टर रवि इज ए शेयर होल्डर। अरे भाई, कवि तो शेयर होल्डर है ही पहले से, अब उसमें क्या इफ एंड बट है। शायद ये बोलना चाहते हैं वुड योर आंसर डिफर इफ मिस्टर रवि इज ए शेयर होल्डर। नो, इवन इफ मिस्टर रवि इज ए शेयर होल्डर माई आंसर विल नॉट डिफर। तो कवि शेयर होल्डर है, वो रवि द नॉन शेयर होल्डर को राइट दे, नो प्रॉब्लम। वो रवि द शेयर होल्डर को राइट दे, नो प्रॉब्लम। इन बोथ केसेस देयर इज नो प्रॉब्लम। 4A और 5A दोनों क्वेश्चन जरा गड़बड़ है। फिर ये 5A का ऑल्टरनेटिव पार्ट, इसमें तो मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड अनलिस्टेड कंपनी पास्ड अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग ऑन January 5, 2019 टू बाय बैक 30% ऑफ इट्स ओन इक्विटी शेयर्स। देखिए सेक्शन 67 और 68 दोनों को यहां एक बार देख लेना चाहिए। 67 जो है वो बायबैक करने पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है केवल प्राइवेट कंपनी को छोड़ करके, और 68 तो बहुत सारे प्रोविजन फॉलो करने को बोलता है। 68 के हिसाब से अगर हम देखें तो 5 जनवरी 2019 को बायबैक प्रपोजल आया है और 30% इक्विटी शेयर बायबैक करना है। पहले तो कंपनी ये गलती कर रही है कि 25% से ज्यादा इक्विटी शेयर एक फाइनेंशियल ईयर में आप बायबैक ही नहीं कर सकते, एक एक शॉट में आप बायबैक नहीं कर सकते। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एम्पावर्स द कंपनी टू बायबैक इट्स ओन शेयर्स, वो तो अच्छी बात है, होना ही चाहिए, इट शुड बी ऑथोराइज बाय आर्टिकल। 15 जनवरी 2018 को भी कंपनी ऐसा कर चुकी है। अब ये देखिए इसमें लिखा है कि ये जो बायबैक है आपका, ये अगले 12 महीने तक, अगले 1 साल तक नहीं आना चाहिए, 1 साल का गैप होना चाहिए दो बायबैक में, ठीक है। दूसरा प्रोविजन यहाँ क्या बोल रहा है, इट शुड बी ऑथोराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तीसरा प्रोविजन क्या बोल रहा है, इक्विटी शेयर 25% से ज्यादा बायबैक नहीं होने चाहिए। एक तो 30% गड़बड़ है, आर्टिकल से ऑथोराइज नहीं, अच्छी बात है। 15 जनवरी 2018 को बायबैक हुआ था तो 15 जनवरी 2019 तक बायबैक नहीं हो सकता, फिर ये 5 जनवरी 2019 को क्यों हो रहा है, ये गड़बड़ है। फिर कंपनी क्या कर रही है, पुराने इक्विटी शेयर इश्यू करके इक्विटी शेयर ही बायबैक कर रही है, जबकि सेक्शन 68 सबसेक्शन 1 ने आपको क्या बोला हुआ है कि इक्विटी शेयर ही इश्यू करके इक्विटी शेयर ही बायबैक कर लो, ऐसा तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 1 30%, प्रॉब्लम नंबर 2 विद इन 1 ईयर, प्रॉब्लम नंबर 3 इक्विटी शेयर की प्रोसीड से इक्विटी शेयर ही बायबैक कर रहे हो, ये भी गलत है। तो बोल रहे हैं क्या ये प्रपोजल सही है, तो आप बोलेंगे नहीं प्रपोजल गलत है। फिर सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं कि कंपनी एक तो 25 जनवरी पे शिफ्ट हो गई, तो भाई 1 साल वाला प्रोविजन का कंप्लायंस हो गया, 30 से घटा के 25% बायबैक कर दिया तो उसका भी कंप्लायंस हो गया, दो कंप्लायंस हो गए, मगर एक डिफॉल्ट फिर भी रह गया, और वो एक डिफॉल्ट क्या रह गया आपको पता है,
वो एक डिफॉल्ट ये रह गया है कि कंपनी जो है सेम टाइप ऑफ सिक्योरिटीज की प्रोसीड से ही बायबैक कर रही है. नाउ लास्ट वन, फिफ्थ का बी पार्ट. डीजेवी लिमिटेड हाइपोथेकेटेड इट्स प्लांट टू अ नेशनलाइज्ड बैंक एंड अवेल्ड अ टर्म लोन. द कंपनी रजिस्टर्ड द चार्ज विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. द कंपनी सेटल्ड द टर्म लोन इन फुल. द कंपनी रिक्वेस्टेड द बैंक टू इश्यू अ लेटर. The company requested the bank to issue a letter confirming the settlement of the term loan. लेकिन bank, आपने loan चुका दिया, अब आप charge satisfy करवाना चाहते हैं. Bank इस मामले में cooperate नहीं कर रहा है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? भाई बहुत simple सी बात है, bank के cooperation की तो आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि section 82 आपको पता है क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि आप तो bank से पूछे बिना ही सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का नोटिस आरओसी को दे दो, फिर आरओसी खुद ही चार्ज होल्डर को नोटिस देगा. चार्ज होल्डर पहले ही साइन करके दे दे तो बात ही खत्म, बट चार्ज होल्डर पहले ही साइन करके ना दे तो आप तो आरओसी को सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के डॉक्यूमेंट दे दो, फिर चार्ज होल्डर खुद ही आरओसी को नोटिस देगा. सॉरी, आरओसी खुद ही चार्ज होल्डर को नोटिस देगा, भाई साहब क्या हम ये चार्ज सेटिस्फाई कर दें? और बैंक इस पर भी अगर कोई रिप्लाई ना करे तो फिर ऐसे केस में आरओसी क्या है, उस चार्ज 14 दिन में अगर बैंक 14 डेज में रिप्लाई ना करे तो आरओसी अपने आप ही उस चार्ज को सेटिस्फाई करने की एंट्री कर देगा. ये पूरा कंपनीज एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट वाला पार्ट हो गया. अब जहां तक बात रही एमसीक्यू वाले पार्ट की, तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में डिस्कस करूंगा. अपने स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो जो भी एमसीक्यूज उनकी मेमोरी में है वो मेरे साथ शेयर करें, तो उसकी बेसिस पे हम डिस्कशन करेंगे कि एमसीक्यू में क्या आया होगा और उसका आंसर क्या लिखना चाहिए था. अगर आपको कोई भी और डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9893040600 पर मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं, या FM by TM Android ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उसमें जाकर के भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय.